हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। हम अपने बहुत सारे लोगों से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर से मिलते हैं और उनको खूब प्यार करते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे रिश्तेदारों से मिलते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि रिश्ता क्या है, और हम सिर्फ उन्हें अंकल और आंट कह देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसी वोकैबुलरीज जिससे आप हर रिश्ते को एक्सप्लेन कर पाएंगे और सिर्फ अंकल और आंट नहीं कहेंगे। मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि रिश्ता क्या है। तो आज की वीडियो में बहुत सारी वोकैबुलरी हम सीखेंगे फैमिलीज और रिलेटिव्स के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी सारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले शुरू करते हैं एक बेसिक चार्ट से जो शुरू होता है आपकी फैमिली से। यस, मैं बात कर रही हूं आपकी फैमिली से, जिस फैमिली में आप रहते हैं। तो लेट्स लुक एट द चार्ट। कंसिडर करें कि अगर आप एक फैमिली में रहते हैं तो तीन तरह की फैमिलीज हो सकती हैं, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली। तो ये फैमिलीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता देती हूँ कि इनमें किस किस तरह के मेंबर्स आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली की। न्यूक्लियर फैमिली में जनरली देखा जाता है दैट वी हैव अ मदर, माँ, फादर, पिता, ब्रदर एंड सिस्टर, जिसको कह सकते हैं सिबलिंग्स। भाई बहनों को सिबलिंग्स कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मेरे दो भाई हैं और एक बहन है, तो टोटल आपके तीन भाई बहन हैं, तो आप ये कहेंगे आई हैव थ्री सिबलिंग्स, आई हैव थ्री सिबलिंग्स। Rather than I have two brothers and one sister, you can say I have three siblings. तो ये आता है न्यूक्लियर फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली से एक और फैमिली बनती है जिसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली। ये ऐसी फैमिली है जिसमें कई बार सिंगल पेरेंट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिनके मदर या फादर में से एक ही पेरेंट होता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं सिंगल पेरेंट, कि मेरी फैमिली में सिंगल पेरेंट है और सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, तो इसको हम कहेंगे माइक्रो न्यूक्लियर, न्यूक्लियर से भी छोटी फैमिली। अब बात करते हैं जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली में मदर, फादर और सिबलिंग के अलावा रहते हैं दो लोग और, वो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, जिसे हम कह सकते हैं दादाजी को ग्रैंडफादर और दादी जी को ग्रैंड मदर। जहां पर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हो, वहां पर आपको अक्सर सुनने में आएगा कि पोता पोती को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की हम बात करें और ये ना सीखें कि पोता पोती को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ये होते हैं जॉइंट फैमिली में इस तरह के मेंबर्स। अब अगर हमने सीखा है सिबलिंग के बारे में, तो सिबलिंग से अगर हम आगे चले, फॉर एग्जाम्पल आपके भाई हैं या आपकी बहन है और आपके भाई के बच्चे हैं और आपकी बहन के बच्चे हैं, तो उनको हम, वो रिश्ते क्या होंगे, उनको हम बोलेंगे नेफ्यू एंड नीज। आपके भाई के बच्चे या आपकी बहन के बच्चे, तो भतीजा है जिसे हम कहते हैं नेफ्यू, और भतीजी है तो हम कहेंगे नीज, नेफ्यू एंड नीज। ये रिश्ते आते हैं सिबलिंग्स कैटेगरी के अंदर। अब बढ़ते हैं आपकी फैमिली से आगे। जॉइंट न्यूक्लियर या माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली या आपके भाई बहनों के बच्चों से अगर आगे की फैमिली की हम बात करें, तो उस फैमिली को कहा जाता है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब जो आपकी फैमिली से अब एक्सटेंड हो चुकी है, आगे की तरफ हो चुकी है। एक्सटेंडेड फैमिली को समझने के दो तरीके हैं। सबसे पहले एक तरफ देखिए होती है मदर, एक तरफ है फादर। तो पहले देखते हैं मदर की तरफ। मदर से कौन से रिश्ते आते हैं? मदर से रिश्ते आते हैं मामा का, मासी का, मासर का। तो मामा मामी को क्या कहते हैं? मामा मामी को आप कह सकते हैं मेटर्नल अंकल, मेटर्नल आंट। मामा जी हैं तो मेटर्नल अंकल, मामी हैं तो मेटर्नल आंट। उसी तरह मासुर जी हैं, मासी जी हैं, मेटर्नल अंकल, मेटर्नल आंट। अब बढ़ते हैं पापा के रिश्ते की तरफ। बहुत आसान है, माँ से मेटर्नल तो पिता से पेटर्नल, पेटर्नल। पापा के रिश्ते कौन से होते हैं? तो चाचा जी तो चाची जी, ताया जी तो ताई जी, और भुआ जी तो फूफा जी। तो इन लोगों को हम कह सकते हैं पेटर्नल अंकल एंड पेटर्नल आंट। पेटर्नल अंकल,
पैटर्नल आंट, इन सारे रिश्तों को जो पिता से जुड़े होते हैं। तो बहुत आसान है, मदर से जुड़े हुए रिश्ते मैटर्नल अंकल एंड आंट और पिता से जुड़े हुए रिश्ते पैटर्नल अंकल एंड आंट। अब बात करते हैं इनके बच्चों के। अगर आपके मैटर्नल अंकल आंट के बच्चे हैं या पैटर्नल अंकल आंट के बच्चे हैं तो वो होंगे आपके कजन्स। यस, उनको हम कहेंगे कजन्स, ना कि सिबलिंग्स। पर एक गड़बड़ जो है मैंने अक्सर सुना है जो लोग करते हैं, वो ये बोलते हैं ही इज माई कजन ब्रदर, शी इज माई कजन सिस्टर। तो एक चीज आपको हमेशा के लिए याद रखनी है कि कजन्स के साथ आपको सिस्टर या ब्रदर नहीं लगाना है। आई मीन कजन भी है और सिस्टर भी है, कैसे? सिस्टर है तो ब्लड रिलेटिव है, आपकी फैमिली का पार्ट है, कजन है तो एक्सटेंडेड फैमिली से है। तो आप ये दोनों शब्द जो है इकट्ठे नहीं बोल सकते, कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर। ये 90% लोग गलतियां करते हैं यहाँ पर। पेटर्नल अंकल या पेटर्नल आंट आपके जो हैं और उनके बच्चे हैं तो वो भी आपके कजन्स लगेंगे। अब हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से आगे बढ़ते हैं और आप हैरान हो जाएंगे, एक्सटेंडेड फैमिली से भी आगे फैमिली होती है? यस, इनको बोलते हैं दूर के रिश्तेदार। जैसे कि आप एक शादी में गए और आपकी मदर समझा रही है कि बेटा ये तुम्हारी चाची की, मासी की, बुआ के, ओ माय गॉड, मामे के, बुआ के, मासड़ के, इतने लंबे रिश्ते होते हैं जिनको आप समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते। यहां पर आप कहेंगे इस फैमिली को डिस्टेंट फैमिली, डिस्टेंट फैमिली। यहां पर इस तरह की फैमिली को हम बोलते हैं डिस्टेंट फैमिली। तो जितने भी रिश्तेदार आपके डिस्टेंट फैमिली से आते हैं तो हम वहां पे उनको कह सकते हैं डिस्टेंट अंकल, डिस्टेंट आंट, डिस्टेंट रिलेटिव्स। डिस्टेंट अंकल, डिस्टेंट आंट, डिस्टेंट रिलेटिव्स, डिस्टेंट फैमिली, ये है हमारी डिस्टेंट फैमिली से कुछ रिलेटिव्स। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी शादी की तरफ। कंसिडर करिए आपकी शादी हो गई है। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो अब यहां पर भी कुछ रिश्ते बनेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लड़के की साइड पे। अगर आप लड़के हैं, आपकी शादी हुई है, तो एक रिलेशन सबसे पहले आता है जिसे हम कहते हैं वाइफ। वाइफ है पत्नी। इसके अलावा आप अपने पार्टनर को स्पाउस भी कह सकते हैं, स्पाउस, या आप कह सकते हैं बेटर हाफ, शी इज माय बेटर हाफ, शी इज माय वाइफ, शी इज माय स्पाउस। ये हैं आपके कुछ रिश्ते। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी वाइफ के पिता और आपकी वाइफ के जो मदर हैं उनको आप कहेंगे शादी के बाद फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। पिता को कहेंगे फादर इन लॉ, ससुर, और सास को कहेंगे मदर इन लॉ। अगर आपकी वाइफ के भाई बहन हैं तो वो जो भाई बहन हैं वो आपके ब्रदर एंड सिस्टर की जगह पर होंगे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जिसे कहते हैं सालेहार, और ब्रदर को कहते हैं साला। तो साले सालेहार को हम कहेंगे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। उसी तरह उसके जितने भी रिश्तेदार होंगे वो सारे इन लॉज में आएंगे। ये कानूनी रिश्ते हैं, इनके आगे इन लॉ लगेगा, इन लॉज। अब बढ़ते हैं लड़की की तरफ। उसी तरह लड़की के रिश्ते भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे लड़के के पिता और लड़के की माता जो हैं वो लड़की के लिए हो जाएंगे फादर इन लॉ, ससुर, सास हो जाएंगी मदर इन लॉ। और लड़की के कुछ रिश्ते होते हैं, जैसे अगर लड़की के हस्बैंड जो हैं उनके भाई हैं तो वो उनके लिए बनते हैं जेठ, छोटे भाई हैं तो बनते हैं देवर, बड़े भाई जेठ और छोटे भाई देवर, या हम कह सकते हैं देवरानी। तो लड़की इन रिश्तों को ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ कहती है। इन सारे रिश्तों में इन लॉज लगाना जरूरी है क्योंकि ये सारे रिश्ते कानूनी रिश्ते हैं, कानूनी रिश्ते। फैमिली की बात करते हैं तो कुछ और शब्द जो है हमारी जबान पर बहुत ज्यादा आते हैं हमारे कल्चर में। जैसे आपने सुना होगा घर जमाई, ये घर जमाई है। तो घर जमाई की इंग्लिश होती है रेजिडेंट सन इन लॉ, रेजिडेंट सन इन लॉ। अगर आपने एक औरत के मुंह से ये सुना है कि ये जोरू का गुलाम है तो उसे हम कहते हैं हैंडपैक्ड, हैंडपैक्ड हस्बैंड। ये जोरू का गुलाम है, ही इज हैंडपैक्ड हस्बैंड। शादी के टाइम पे अक्सर आपने ये सुना होगा कि सभी लोग पूछ रहे होते हैं सरबाला कौन बनेगा। सरबाला वो जो दूल्हे के साथ घोड़ी पे बैठता है। सरबाले को बोलते हैं बेस्ट मैन ऑफ ग्रूम, बेस्ट मैन ऑफ ग्रूम। तो शादी के बाद आपके बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों को हम कह सकते हैं किड्स, आप कह सकते हैं इशू, इश्यूज का मतलब संतान, आई हैव एन इशू, संतान। ऑफ स्प्रिंग्स भी कह सकते हैं, बच्चे, ऑफ स्प्रिंग्स। सो किड्स, इशू, ऑफ स्प्रिंग्स, यह है बच्चों के लिए।
अब तक हमने कुछ इस तरह के रिलेशंस की बात करी जिसमें ब्लड रिलेशंस, आपके फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, उससे आगे की फैमिली, डिस्टेंट रिलेटिव्स, दूर के रिश्तेदार और कानूनी रिश्ते जो मैरिज के बाद बनते हैं उनकी बात करी। अब हम बात करेंगे ऐसे रिश्ते जो सौतेले होते हैं। यस, सौतेले अगर आपके पिता हैं तो हम कहेंगे स्टेप फादर, सौतेली माँ है तो स्टेप मदर, सौतेले भाई बहन है तो हम कहेंगे स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर। एक और रिश्ता होता है, एक और फैमिली में हम एक पर्सन को इस तरह से बुलाते हैं अगर वो पर्सन ने, उसका जो बच्चा है उसका बाय बर्थ नहीं है लेकिन वो उस बच्चे की परवरिश कर रहा है। एक ऐसा पिता, एक ऐसी माँ जिसका बाय बर्थ बच्चा नहीं है, बाय बर्थ नहीं है रिलेशन कोई लेकिन वो उसकी परवरिश कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं फोस्टर फादर या फोस्टर मदर। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बाय बर्थ बच्चे नहीं होते हैं लेकिन वो लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं कुछ बच्चों को, तो उन बच्चों को हम कहते हैं अडॉप्टेड सन एंड अडॉप्टेड डॉटर। सो फोस्टर फादर, फोस्टर मदर, अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड डॉटर। एक और रिश्ते की यहाँ पर बात करते हैं। ये वो औरत है जिसकी लीगली जो है शादी नहीं हुई एक इंसान के साथ लेकिन शी इज हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द पर्सन, तो उसको हम कहते हैं मिस्ट्रेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रखेल, मिस्ट्रेस एंड रखेल। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स की, ना तो वो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ शादी करते हैं लेकिन साथ में रहते हैं, कोहैबिटेशन करते हैं, इकट्ठे रहते हैं साथ में, तो इनको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप्स। अक्सर आपने बॉलीवुड में सुना होगा कि ये एक्टर या ये एक्ट्रेस जो है लिविंग कर रही है, एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। लेकिन आजकल के जमाने में ये सब कुछ जो है वो लीगल है, लिविंग रिलेशनशिप्स अब लीगल माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपने बहुत ज्यादा जो है वोकैबुलरी सीखी और हर रिश्ते को आपने समझा। अब बेझिझक होकर अपने रिश्तों को बोलिए और रिश्तों को समझाइए और ये वीडियो शेयर करिए अपने सारे रिश्तेदारों में जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको एक्सप्लेन करिए कि इन रिश्तों को कितने मजे से और कितने आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज की वीडियो में असाइनमेंट नहीं है लेकिन आज का टास्क ये है कि आपको वो पांच रिश्ते जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको भेजने हैं टाइप करके, जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। वो ऐसे कौन से पांच रिश्ते हैं जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं वो मेरे YouTube वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको भेजना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत मजेदार लगी और बहुत पसंद आई और आपने बहुत कुछ सीखा भी इस वीडियो से। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस।